तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 20 फरवरी है, आज का द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल नहीं है, क्यों? क्योंकि संडे होता है तो संडे में एडिटोरियल नहीं आते हैं। आज का द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पूरा न्यूज़पेपर कवर करूंगा बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। उन्हें कहते हैं बिल्कुल ताजा हो जाओगे सुबह सुबह, जो सुबह सुबह उठकर देख रहे हैं वो तो, और खासकर जो शाम को भी देख रहे हैं उनको और ताजगी मिलेगी। ओके, तो बोला जा रहा है ऐसा भी होता है राजस्थान में, मतलब आज भी ऐसा होता है। तो आज भी ऐसा क्या होता है, ये क्या है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा और भी बहुत सारे मुद्दे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर फर्स्ट पेज पर ही ये न्यूज कवर की गई है और ये काफी इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। अगर आप लोग जाते हैं एथिक्स के अंदर, जब एथिक्स के अंदर केस स्टडी आती है ना, तो ऐसे मुद्दे आप लोगों से पूछ ले आते हैं। अब आप लोग बोलोगे मुद्दा क्या है, तो मुद्दे के बारे में बात करूंगा, पर लेकिन पहले आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलता हूं, जिसके साथ में आप लोग चीजों को और अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। मतलब क्या, मतलब ये अगर पुराने टाइम में आप लोग हिस्ट्री, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ी हो, तो वहां पर एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें आप लोगों को मैंने बोला भी था कि उसको क्या बोलते हैं, बी के वी एस। इसका मतलब क्या है, बी का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब सबसे ऊंचे दर्जे का इंसान माना जाता था सोसाइटी के अंदर में। उसके नीचे आ जाता है क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब उससे नीचे थोड़ा माना जाता था, पर लेकिन ये भी एक अच्छी खासी पोजीशन रखता था। तीसरे नंबर पर आता वैश्य, यानी कि मर्चेंट हो गए, फार्मर हो गए, बैंकर हो गए, ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से व्यापारी। जो क्षत्रिय होता था वो था रूलर, यानी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा करता था। आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली मूवी का वो सीन, जब कहता है कि नहीं कहते है कि या तो मुझे चुन, मतलब या तो उसको जो सिंहासन को सुन लो या फिर इस कपटी देव सेना को सुन लो। तो वहां पर क्या कहता है वो, फिर पूछते हैं कि बताओ इनको क्या सजा दी जाए। उन्हें से ब्राह्मण से पूछते हैं, वो आता है कि अच्छा ऐसा कर लिया जाए। तो पुरोहित साहब जो होते हैं, तो पहला टाइम ऐसा हुआ करता था ब्राह्मणों ने अपनी ऐसी पोजिशन बना रखी थी जिसके चलते सबको उनके नीचे रखना पड़ता था। इवन राजा तक भी यहां पर उनसे पूछकर काम करते थे। आप लोग ये मानते हैं कि असलियत में जो रूलर हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और सबसे जो नीचे आया करता था यहाँ पर, ये है बेसिकली शूद्र, एक तरीके से लेबरल क्लास आप लोग बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर एंशिएंट टाइम में आप लोग जाओगे, स्टार्टिंग में जब तक यहाँ पर चीजें ठीक ठाक चल रही थी, तो एक ही घर में ये सारे देखने को मिल सकते थे। एक तो कोई ब्राह्मण का काम कर रहा है, कोई क्षत्रिय हो गया, ठीक है, कोई यहाँ पर वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया, तो हर एक घर में ऐसा देखने को मिल सकता था। पर लेकिन जैसे हमारे देश में थोड़ा सा हिस्ट्री आगे बढ़ी और हम लोग लेटर वैदिक टाइम में पहुंचे, लेटर वैदिक टाइम में जैसे जैसे चीजें बढ़ी, तो सोसाइटी में कुरीतियां बढ़ना स्टार्ट हो गई। कुरीतियां मतलब यानी कि एक तरीके से सोसाइटी में सेग्रीगेशन स्टार्ट हो गया। सेग्रीगेशन मतलब डिवाइड होना स्टार्ट हो गई सोसाइटी, और वो जो डिवीजन वो उस टाइम पर हुआ करता था, आज तक हम लोग अपने सर पर ढो रहे हैं उस डिवीजन को। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर ये सोसाइटी में घुस गया था, और ये इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज की डेट में भी ऐसे केसेस जब सामने निकल कर आते हैं तो हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब केस क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आप लोग क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आईपीएस ऑफिसर बन कर गए, और वहां पर एक ऐसा सेक्शन है जो कि एक तरीके से पिछड़ा हुआ सेक्शन है सोसाइटी का, एक तरीके से शूद्र सेक्शन आप लोग बोल सकते हैं पुराने टाइम के हिसाब से। यहां पर ये जो सेक्शन है, इनको आज भी अगर शादी करनी है और उनका मन है घोड़ी पर बैठने का, तो घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये ऊंची क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ये बेइज्जती की बात हो जाती है कि नीची क्लास का इंसान भी घोड़ी पर बैठ रहा है शादी करने के लिए। इसलिए यहां पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लगाना पड़ता है जब भी कोई शादी होती है, कल को चलकर कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसा आप लोगों ने इंसिडेंट, अभी रिसेंटली एक सीरीज आई थी बॉबी देओल की, जिसमें बॉबी देओल बाबा बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें शायद फर्स्ट पार्ट था, आई थिंक, तो उसमें एक क्लिप मैंने देखी थी, तो उसमें दिखाया गया था कि एक तरीके से कि ऊंची जात वाले अगर बेसिकली अगर उनको घोड़ी पर जाना भी है, नीची जात वाले जिनको बोला गया नॉर्मली, तो उनको बेसिकली घोड़ी से निकलने नहीं देंगे अपने घरों के आगे से, तो उसके ऊपर भी बवाल हो जाता है। और ये रियलिटी है जो कई बार मूवीज में दिखाई जाती है, ऊंची जात नीची जात करते रहते हैं, क्या ऊंची क्या नीची, एक ही तरीके के इंसान एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं। पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ आज भी, और वो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके चलते हैं। तो ये इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप लोग कहीं पर कल को चलकर पोस्ट किया जाता है ऐसे एरिया में, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शांति बनाकर रखना, तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करके चलोगे। तो ये तो हो गया पूरा मुद्दा, यहां पर एक एथिक्स का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा इसके अंदर घुसोगे आप लोग, तो फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाओगे पार्ट थर्ड के अंदर में,
तो पार्ट थर्ड के अंदर में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 12 से लेके 35 तक, और इसके अंदर भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में जब आप लोग जाकर झांकोगे तो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो आप लोगों को कल्चरल राइट देते हैं, आप लोग अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हो, और ये सारे अधिकार आप लोगों को कौन देता है, ये हमारा संविधान देता है। इवन फंडामेंटल राइट के बारे में भी अगर आप लोगों को बात करें, आप लोग कैसे अपनी शादी करनी है, कैसे अपने लाइफ को एंजॉय करना है, आर्टिकल 21 जो है संविधान के अंदर में ये राइट टू लाइफ देता है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जो है आज की डेट में भी संविधान के इंप्लीमेंट होने के 75 साल बाद होने वाले हैं, आज भी हम लोग को ऐसी हरकतें देखने को मिलती है सोसाइटी में। तो अगर कुछ लिखने के लिए आते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सोसाइटी के से रिलेटेड कुछ ऐसा यहाँ पर दिक्कतों के बारे में, एक तरीके से कुरीतियों के बारे में, तो ये आप लोग उदाहरण भी दे सकते हैं निबंध के अंदर भी या फिर आंसर राइटिंग के अंदर भी। तो मैंने क्या बताया, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट हो गया ये आर्टिकल आप लोगों का, इसी के साथ में मेंस के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो गया, एथिक्स के पॉइंट ऑफ से आप लोग देखते हैं अलग से इंपॉर्टेंट हो गया, और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक ऐसी कम्युनिटी से आप लोग निकल कर आते हैं जिस कम्युनिटी को सप्रेस किया जाता है तो आप लोग किस तरीके से उसके साथ में डील करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल को देखने का नजरिया चेंज करो, आप लोग की लाइफ जो है वो आप लोगों को चेंज होती नजर आएगी, ठीक है। इवन अगर मैं आप लोगों को मैरिज सिस्टम के बारे में बात करूं, थोड़ा सा चलिए आज इंटरेस्टिंग मूड है, थोड़ा सा मैरिज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक और आर्टिकल है ऐसे ही यहाँ पर, ये आर्टिकल पॉजिटिव साइड का आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव सेंस का था, ये पॉजिटिव सेंस का है। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में यहाँ पर यह बोला गया कि गांव वालों ने इकट्ठा किए ये 2 लाख रुपए, एक लड़की थी 22 साल की उसकी शादी की गई, क्यों, क्योंकि वो एक अनाथ यानी कि ऑर्फन थी, ऑर्फन मतलब अनाथ, ठीक है। तो ऑर्फन मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्फन मूवी है भाई साहब, देखने के बाद में मैंने कहा ये देखो कैसे कैसे मूवी बनाते हैं बड़ी कड़क मूवी लगी थी मुझे वो, मतलब एक औरत है उसकी एज जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और वो एक बच्ची के कैटम में रहती है, ठीक है। तो वो मूवी थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, किस किसी ने देखी है, यस या फिर नो, हॉलीवुड की मूवी है शायद देखी होगी आप लोगों ने, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप लोग जाकर देखो कुछ छूट गया आप लोग, ठीक है। मैं मूवी वही रिकमेंड करता हूँ जिससे आप लोग कुछ नया सीखने को मिले, पर अगर इंटरेस्ट है कभी ऐसे तो देख लिया करो, अगर मूड फ्रेश करना है कुछ कुछ चीजें, पर लेकिन हाँ अपना काम कंप्लीट करने के बाद में, पहले अपना शेड्यूल फॉलो करो उसके बाद में आप लोग काम करो, इंटरेस्टिंग वे आप लोगों को अगर आप लोग देखोगे चीजों को तो समझ पाओगे काफी बड़ी बात है। सुनिएगा ध्यान से जो बोलने जा रहा हूं, आप लोगों का सुनकर सर चकराने वाला है जो बोलने जा रहा हूं। अगर डेली दिन में 1 घंटा आप लोग किसी चीज को देते हैं, आप लोग बोले ना कि 1 घंटा अगर आप लोग किसी चीज को दे रहे हैं डेली एक दिन के अंदर में, आप लोग बोलते हैं कई बार चलो बाहर चलते हैं 1 घंटे में क्या बिगड़ रहा है, घूम कर आ जाते हैं, ठीक है, 1 घंटे में क्या बिगड़ रहा है, फोन पर बातें कर लेते हैं। अगर रेगुलरली आप लोग 1 घंटे किसी के साथ में फोन पर बात करते हैं तो साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है, तो 365 दिन होते हैं, तो इन 365 दिन में से अगर डेली 1 घंटा आप लोग बात करते हैं तो 15 दिन जो है उस इंसान से आप लोगों ने फोन पर ही बातें कर ली हैं, समझ रहे हैं आप लोग, 15 दिन उस इंसान से फोन पर बातें कर ली हैं आप लोगों ने। तो इस तरीके से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटा भी कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर किसी इंसान को आप लोग दे रहे हैं डेली 1 घंटा ही तो जा रहा है, तो उस 1 घंटे की कीमत आप लोगों को समझनी चाहिए यहां पर। तो टाइम की इंपोर्टेंस समझो मेरे दोस्त, टाइम की इंपोर्टेंस समझना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों की कहानी जो है वो चेंज हो जाएगी, कहानी इतनी शानदार होगी कि आप लोग एक तरीके से लोग जो है वो आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे। सोचो अगर 3 घंटे की मूवी आप लोग रेगुलर देखते हो तो साल में 45 दिन आप लोगों ने बैठकर मूवी ही देखी है बस, समझ रहे हैं, 3 घंटे अगर आप लोग रेगुलर यूट्यूब पर बिता रहे हो टाइम पास करने के लिए, तो इसका मतलब है कि साल के 45 दिन जो है आप लोगों ने बेसिकली यूट्यूब पर बिता दिए हैं। अब इसको सोचो इसकी ग्रेविटी क्या है, क्या आप लोग 45 दिन अफोर्ड करोगे, 1 महीने से ज्यादा भाई साहब 1.5 महीना आप लोग मतलब 3 घंटे अगर कहीं पर लगाते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि टाइम को इंपोर्टेंस दो जिंदगी में, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो है टाइम, इससे ज्यादा कीमती चीज आप लोगों को भी कभी नहीं लगनी चाहिए। अगर ये चीज आप लोगों ने समझ ली तो जिंदगी में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी, दिक्कत इन द सेंस मतलब आप लोग अपने काम को प्रोडक्टिवली कर पाओगे। वैसे तो प्रॉब्लम आएगी, हर एक इंसान की लाइफ में आती है, मेरी भी लाइफ में आती है, पर हाँ काम को लेकर आप लोग कभी भी अपनी चीजों को साइड में नहीं रखोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं बेसिकली शादी के बारे में, ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन है और यहां से भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, शादी कितने तरीके की होती है, ठीक है। तो ये मैरिज टाइप आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा तो बताता हूं। सबसे जो शानदार जो शादी मानी जाती है यहां पर, मतलब सबसे ऊपर जो रखी गई थी उसको बोलते हैं ब्रह्म शादी, ठीक है, ब्रह्म शादी, ब्रह्म मतलब BRAHMA, तो ये एक तरह अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है ब्रह्म शादी में, ठीक है। तो यहां पर ये क्या रहती है, सेम क्लास के बीच में होती थी पर इसमें कोई डोवरी नहीं हुआ करती थी, डोवरी मतलब कोई भी दहेज प्रथा नहीं हुआ करती थी, तो इसको ब्रह्म शादी, ब्रह्म एक तरीके से मैरिज बोला करते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती थी यहां पर देव्य, यानी कि देव्य शादी, ठीक है। तो उसमें क्या रहता था, उसमें बेसिकली यहां पर जो ये शादी मुझे हालांकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी जब इसके बारे में मैंने जाना था, जो फादर रहता है वो अपनी ड्यूटर को, ठीक है, एक प्रिस्ट को दे देता है, यानी पुराने टाइम में आप लोगों ने सुना होगा देवदासियां,
तो देवदासियां वो यहीं से निकल कर आती है जिसको आप लोग देव शादी बोला करते थे। तो प्रीस्ट को फी के तौर पर यहां पर दे दी जाती थी बेटी बाप के द्वारा। तो ये आप लोगों को मैच करने के लिए, अगर आप लोगों ने स्टेट पीसीएस के या फिर यूपीएससी के भी पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, मैच करने के लिए आ जाता है ब्रह्म शादी, देव शादी या फिर अरसा। अरसा शादी के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से शादी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ब्रह्म शादी में क्या हो गया, उसमें कोई डोवरी नहीं, अरेंज मैरिज होगी दो सेम क्लास के बीच में। देव मैरिज में क्या हो गया, प्रिस्ट को दान दे दी, दान क्या फीस के तौर पर यहां पर दे दी, अगर उसने कोई काम किया तो उसको फीस के तौर पर दे दी। तो आप लोगों ने देवदासी वाला मुद्दा सुना होगा। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहां पर आएगा इसको बोलते हैं अरसा, ARSA। अरसा मतलब क्या होता है, इसको यहां पर टोकन ब्राइड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली अगर बात करें पुराने टाइम पर हम लोग गाय को एक तरीके से करेंसी के तरीके से यूज किया करते थे। यहां पर उस टाइम पर गाय वगैरह या फिर बुल वगैरह जो है वो ड्यूटर को दिया जाता था फादर की साइड से, ठीक है। तो ये यहां पर एक तरीके से यहां पर आप लोग छोटा सा एक बोल सकते हो कि उस टाइम पर अपना एक तरीके से याद के तौर पर, जिसे आज के में कहते हैं ना कि शादी करनी है हाँ करनी है, तो भाई साहब अगर दहेज के बारे में बात करेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी को दे देना जो देना है, तो वो वाले बात आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक बोला गया, इसको बोला गया था बेसिकली, इसको बोला गया यहां पर प्रजापति। तो यहां पर फादर जो होता है वो विदाउट डोवरी और विदाउट डिमांडिंग, यहां पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नॉर्मल शादी होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सिस्टम जो है आप लोगों के सामने आया, पर लेकिन आप लोग बोलेंगे लव मैरिज के बारे में तो बात ही नहीं की। जी हाँ, वो भी सिस्टम है, उसके बारे में बताता हूँ। पुराने टाइम पे कई तरीके सिस्टम हुआ करते थे। तो ये जो चार सिस्टम हुआ करते थे इनको बेसिकली धर्म में शादी बोला जाता था, जो ये चार मैंने बता दिए। अब अधर्म शादी के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर आप लोग लव मैरिज करते हो तो वो अधर्म के अंदर आता था पुराने टाइम पे। सबसे पहला इसको बोलते हैं बेसिकली गंधारवा। गंधारवा मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लव मैरिज, ठीक है। तो आगे से कहीं जाओ तो ये मत बोलना लव मैरिज करनी है, बोलना गंधारवा करना है, ठीक है। GANDHARVA, ठीक है। तो गंधारवा लव मैरिज होते थे। दूसरा बोलते थे यहां पर गंधारवा लव मैरिज मतलब दोनों सहमत हैं, लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है। दूसरे नंबर पर जो हुआ करता था उसको बोलते थे असुरा। असुरा मतलब असुर वाली, राक्षसों वाली शादी। यहां पे क्या होता है, परचेज कर लिया है, यानी कि मैरिज बाय परचेज ऑफ ब्राइड, यानी कि लड़की को खरीद कर लिया है, तो ये बोलते हैं असुरा शादी। असुर यानी कि एक तरीके से असुर की कैटेगरी में आ गया। अब इससे भी खतरनाक होता है राक्षस की प्रवृत्ति का शादी, यानी कि राक्षस शादी, उसको बोलते हैं राक्षसा। राक्षसा मैरिज जो होता है उसमें गर्ल को फोर्सफुली अबडक्ट कर यानी कि पकड़कर वहां से चोरी कर या फिर उसको एक तरीके से उसकी अगेंस्ट के खिलाफ, उसकी विश के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेना, तो इसको बोलते हैं राक्षसा मैरिज, ठीक है। एक होता है सबसे खतरनाक, इसको बोलते हैं पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज, ठीक है। तो पिशाच मैरिज क्या होता है, लड़की को शराब पिलाकर या फिर दारू पिलाकर या फिर उसको कुछ गलत चीजें एक तरीके से, या फिर नींद में उसको लड़की को एक तरीके से उठाकर ले आना और फिर एक तरीके से उसके साथ में शादी करना, ठीक है। यहां पर एक तरीके से ठीक ठाक तरीके से, पर लेकिन यहां पर और भी नीचे गिर गई हरकतें। तो ये चार तरीके की शादी आप लोगों को देखने को मिलेगी अधर्म टाइप की, यानी कि ये अधर्म शादी इनको बोला जाता था, ठीक है। और ये मजाक नहीं है, एंसेंट हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो जाकर देखेगा, इवन यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शादी के बारे में, इनको मैच करने के लिए गंधारवा शादी क्या होती है, ठीक है। ये सारी असुरा शादी, राक्षसा और पेचार, तो आठ तरीके की शादी होती है अगर बात करेंगे अपनी, अगर हिस्ट्री को आप लोग उठाकर देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर किए जाए, क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएगा और आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ आज कुछ नया सीखा, ठीक है। तो कैसा लगा, ये बेसिकली हिस्ट्री के पोर्शन है, जाकर देखेगा आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन चुके हैं। एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और रिसेंटली ये अभी आर्टिकल न्यूज़ में भी था, तो आगे आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। अर्जेंटीना के बारे में बात की गई थी यहां पर, बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में 1961। तो किससे रिलेटेड है यहां पर, ये आर्कटिक ओशन हो गया, अंटार्कटिक ओशन हो गया, ओजोन लेयर हो गया या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, ठीक है। और जो शब्द मैंने अभी बोले ना अपने क्वेश्चन के अंदर में, मैंने बोला कुछ शब्द मैंने बोले भी आप लोगों के सामने, उसके बेस पर भी 50% से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे ही सकते हो आराम से, ठीक है। मतलब जो शब्द मैंने बोले अभी पूरा, अगर क्वेश्चन भी ध्यान से सुनोगा ना, इसलिए कहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से, क्वेश्चन के अंदर से आंसर निकल जाएगा कई बार तो आप लोगों। और कल मैंने नैनो मैगजीन के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो शाम को 8:30 बजे आती है, तो उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो। और कोशिश क्या करेंगे, संडे के दिन थोड़ा सा डिफरेंट नैनो मैगजीन रखा करेंगे, ठीक है, जिससे कि चीजें उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब आगे चलेंगे यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंपोर्टेंट मतलब उस तरीके से कि इलेक्शन है तो अच्छे से जाकर आप लोगों को वोट डालनी है, अपने वोट का अधिकार आप लोगों को ढंग से करना है।
तो आज जो है थर्ड फेज के इलेक्शन यूपी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसी के अंदर आप लोगों को पंजाब के अंदर भी यहां पर इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो जहां पर भी आप लोगों के लिए इलेक्शन है तो अपनी वोट जो है वो ढंग से डालिएगा अपने लोकल एरिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इलेक्शन जो है काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बन जाता है, तो याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहां पर पावर देता है, जिसके बेस पर ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी अगर थोड़ा सा मन है आप लोगों का चीजों को और ज्यादा जानने का तो इलेक्शन बाई वीर सर्च कर लेना, पॉलिटी का पूरा चैप्टर खुलकर आ जाएगा और आप लोगों के चक्षु भी खुल जाएंगे देखने के बाद में, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, ओके। जो ये आर्टिकल है ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट वे में सुनिएगा आप लोग, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। मैं आप लोगों को बोलूं यार आप लोग देश के नागरिक हो, बधाई हो। आप लोग बोले कौन सी बधाई है, क्या हो गया देश के नागरिक होने से, ऐसा कौन सा फायदा हो गया हम लोग को देश के नागरिक होने से। तो जो फायदे होंगे देश के नागरिक होने से वो फायदे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कई सारे लोगों को ये लगता है कि यार ठीक है यार पैदा तो हो गए आखिर हो ही क्या रहा है, ठीक है इंडिया में हो जाते चाहे पाकिस्तान में हो जाते चाहे यूएसए में हो जाते, मतलब ही क्या है इस चीज का। हालांकि यूएसए में तो मतलब बोलते हैं यहाँ भैया उनके तो जाकर भी लोग सिटीजनशिप लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोग से बात करूंगा। अभी हुआ क्या, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बिल्कुल गेटअप भी जो है अफगानों वाला ही ले लिया और यहाँ पर वेलकम किया गया जो अफगान से हिंदूज और जो सिख कम्युनिटी जो है वो आई यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को पता है अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो पूरे पैर अपने पर पसार चुका है और ये घटना देखने को मिली थी 15 अगस्त को, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन तालिबान जो है वो अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया। तो अभी जो यहां से बाहर निकलकर आ रहे हैं हिंदू या फिर सिख, उनको हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अभी यहां पर मुद्दा मैंने आप लोगों से वैसे कल भी डिस्कस किया था, पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कुछ दाग अच्छे होते हैं तो उनको बार बार एक तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको दोबारा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पर लेकिन कुछ अपडेट के साथ में, तो अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी कल एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को उसके बेस पर बताना है ये कार्टून क्या बोल रहा है। 40 से 50 शब्द लिखे कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करोगे तो लिखना भी स्टार्ट कर दोगे। जैसे डेली 5 वोकैबुलरी मैं आप लोगों को देता हूं, अगर आप लोग बात करेंगे मंडे टू आप लोगों को सैटरडे, तो उन 5 वोकैबुलरी में पूरे अगर बात करोगे 5×6=30, ठीक है, तो पूरे 30 शब्द हो जाते हैं एक सप्ताह के अंदर। अगर 30 शब्द भी आप लोगों ने नए ऐड कर लिए तो आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग भी और आप लोगों की स्पीकिंग भी बहुत ही हद तक इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। चीजों से डरना नहीं है, अगर हिंदी मीडियम के भी हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए क्योंकि आगे चलकर बहुत काम आने वाली है ये लैंग्वेज, ये इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है। कभी बाहर भी घूमने के लिए जाओगे, इवन अगर आप लोग साउथ इंडिया के अंदर भी अगर जाना स्टार्ट करोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जहां हिंदी यूज नहीं की जाती है वहां पर आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तूने क्या सोचा हिंदी मुझको आती नहीं, जिन लोगों को तूने हाथ दी है मेरी, हाथ नहीं मतलब हैंड दी है मेरी, वो मेरा अपहरण करके ले जा रही है, ठीक है। तो वही बात है, तो थोड़ा सा हिंदी आती है अच्छी बात है, पर थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करो। और हमारे फ्रीडम फाइटर जो हुआ करते हैं ना उनको कईयों लैंग्वेज आया करती थी। तो बात करूंगा यहां पर आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यहां पर ये, अगर आप लोग देश के नागरिक है तो आप लोगों को बहुत सारे फायदे देश में दिए जाते हैं। और वो फायदे क्या हैं, पहले आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि आज की डेट में एक ऐसा इंसान है जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है और इंडिया के अंदर है, एक ऐसा इंसान है जो इंडियन सिटीजन है। जैसे अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं ये हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, तो इनको अगर सिटीजनशिप नहीं मिली और देश के अंदर रह रहे तो इनको क्या छूट जाता है, क्या इनको नहीं मिलता है, वो बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो न्यूज में आ गई है। तो टकटकी लगाकर एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पार्ट सेकंड में यहां पर सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, पार्ट सेकंड संविधान के अंदर में। और पार्ट सेकंड जो है यहां पर सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आप लोगों को यहां पर सिटीजनशिप के बारे में देखने को मिलेगा। ये तो बेसिक चीजें हैं जो सिटीजनशिप के बारे में संविधान के अंदर डायरेक्ट लिखी हुई है, पर लेकिन उसमें सिटीजनशिप को दो तरीके से डिवाइड कर दिया उन्होंने। दो तरीके से कैसे, एक को बोला गया सिटीजन और दूसरे को बोला गया एलियन। अब आप लोग बोलेंगे एलियन कौन सा, पीके वाला एलियन, पीके होका। तो पीके वाली बात अगर करें तो ये आमिर खान की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, किस किसी ने देखी है, यस या फिर नो, देखी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर देखी नहीं है तो आप लोग आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल समझ में आएगा, वो मूवी तो बस ऐसे ही बस थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करने में हेल्प मिले इसलिए लगा दिया, ठीक है। अगर बात करें यहां पर जैसे सिटीजनशिप के बारे में, तो यहां पर अगर कोई सिटीजन है देश का तो उसको कई तरीके के अधिकार मिलते हैं, कुछ तो सिविल अधिकार मिलेंगे और कुछ पॉलिटिकल अधिकार मिलेंगे, वो अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले आप लोग ये देखिए, अगर दो कैटेगरी को हम लोग डिवाइड करते हैं यहां पर एलियन की कैटेगरी में, उसमें भी आप लोगों को दो कैटेगरी देखने को मिलेगी, यानी कि पहले नंबर पर सिटीजन, दूसरे पर एलियन। अब एलियन के अंदर भी दो तरीके के हैं, एलियन उनको बोलाता है जो हमारे ग्रह के नहीं है, तो हमारे ग्रह के नहीं है वो तो हम लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा ग्रह तो जो गोला है, हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के तो है सब, पर लेकिन जो हमारे देश के नहीं है अगर बाहर के, तो एक तो वो लोग जो कि जिनकी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनको फ्रेंडली एलियन बोलेंगे।
जो बेसिकली हमारे देश के साथ में अच्छे रिलेशन रखते हैं, ठीक है। दूसरे वो एनिमी एलियन, एनिमी एलियन वो है जिनके हमारे देश के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब बोलने की जरूरत है नहीं किनके साथ में अच्छे नहीं है, बता दीजिए चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कौन से ऐसे देश है जिनके साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन बना कि कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर एनिमी, जो जो एलियन है इनके एक तरीके से, ऐसे देश जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, उनके सिटीजन अगर हमारे देश में है उनको वो आर्टिकल का फायदा नहीं होगा, तो वो आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 22 इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर उस देश से कोई इंसान हमारे देश में आता है जिसके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उनको ये प्रोटेक्शन नहीं है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, उनको हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। पता चला कल को यहां पर कसाब टाइप में कोई आ रहा है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाए, तो ये आर्टिकल का फायदा उनको नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ी सी अंदर की बात हो जाती है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात हो जाती है, पर लेकिन यार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 22 का जो अधिकार जो है वो एनिमी एलियन कंट्री के लोगों को नहीं मिलेगा, फ्रेंडली एलियन के लोगों को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करते हैं यहां पर, अगर आप लोग देश के सिटीजन है, नागरिक है, तो आप लोग अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। क्यों थपथपानी चाहिए वो मैं बताता हूं। आप लोग अगर देश के अंदर रहते हैं तो आर्टिकल 15 का अधिकार आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों के खिलाफ नहीं कर सकता, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, सेक्स के नाम पर, कास्ट के नाम पर आप लोगों के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल अधिकार है, और ये आप लोगों को पार्ट सेकंड में अधिकार देखने को, पार्ट थर्ड में अधिकार देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 16, आप लोग जॉब के लिए यहां पर आज के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना कि हम लोग को जॉब चाहिए या फिर जॉब के अंदर जो घपला हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्योंकि अधिकार दे रखा है संविधान ने, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप लोग यहां पर एंजॉय कर सकते हो, इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो आप लोग सड़कों पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पर घर का कोई इंसान बोले, मान लीजिए कोई पाकिस्तान का अगर यहां पर बोले मुझे जॉब दो नहीं तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, तो यहां पर उसको बोलेंगे तो पहले आसानी से रही ले, तुझे जेल में उठाकर डाला जाएगा अगर बदतमीजी काटेगा देश के अंदर, ठीक है, वो चीजें देखने को मिलेगी। उसी के तहत यहां पर आर्टिकल 19 का जो फायदा होता है, स्पीच और एक्सप्रेशन, आप लोग जाकर गवर्नमेंट को कुछ भी बोल सकते हो कि हाँ हमने तुमको वोट देकर जीता है, ठीक है। तो ये सारे अधिकार कहीं पर एसोसिएशन आप लोग कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, अपना काम कर सकते हो किसी भी राज्य में जाकर जहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया हो, लोकल एरिया में ज्यादा है तो वहां पर जाकर आप लोग काम भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह कि ये अधिकार भी आप लोग यहां पर मिल जाता है आर्टिकल 19 के तहत। ये सारे वो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो मैच करने के लिए आते हैं, स्टेट पीसीएस के पेपर तो उठा के देखो आप लोग, ये लगेगा भाई साहब कि पेपर जो है इसी क्लास से बना दिया उठाकर एग्जामिनर ने, पर लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो ढंग से, सुना करो और फिर देखा करो। कल्चरल और इकोनॉमिक राइट के बारे में बात करें, और ये सारी पीपीटी मैंने पॉलिटी से उठाई है, ठीक है, पॉलिटी में सारी चीजें पढ़ा रखी है मैंने, आप लोग बोलोगे सुनने में नया नया लग रहा हो ना, कुछ नया पढ़ा रहे हैं सर, कुछ भी नया नहीं है भाई साहब, अगर ढंग से देखोगे तो, ठीक है, सारी चीजें पढ़ा रखी है आप लोगों, बस वह थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप लोगों की मेमोरी है वो पीके हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की चीजें नहीं लगने लगती है, वरना अगर आप लोग देखोगे ये चीजें पॉलिटी में पढ़ा रखी है बहुत डिटेल में, तो पॉलिटी को जाकर पढ़ो, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आर्ट मतलब एक तरीके से 1,000,000 से भी ज्यादा लोग जो है एक एक लेक्चर को देख चुके हैं, कुछ ऐसे भी लेक्चर 1,000,000 होने वाले हैं, इतनी सारी पॉलिटी लेक्चर देखे जा चुके हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटी के वीडियोस देख देख के, पॉलिटी और करंट अफेयर की वीडियोस देख देख के, मुझे अब भी याद आते हैं कई सारे लोग हैं ना, उन्होंने मेल भी किया था, मैंने दिखाया था पॉलिटी और करंट अफेयर की वीडियो देख के असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर निकाल दिया, यानी कि पॉलिटी और करंट के क्वेश्चन आ गए अच्छे खासे। तो कई सारे लोगों ने दो चीजें कवर की, पॉलिटी और ये, इसके ऊपर भी एग्जाम निकाल दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि बस यही करके जाना है एग्जाम निकल ही जाएगा, पर लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन आता है एग्जाम के अंदर, एक तरीके से मेक और ब्रेक वाली बात होती है, तो इसलिए हल्के में मत लेना, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ही मेहनत लगी है भाई साहब, ऐसे ही नहीं बनी है पूरी पॉलिटी की सीरीज, 180 के करीब लेक्चर देखने को मिलेंगे, वो नहीं कहते कि वो क्या कहते हैं खून निकल गया बनाते बनाते, खून तो नहीं, खैर मतलब एक तरीके से मेहनत की है यार, एक तरीके से ऐसा नहीं है कि बस हवा में बना दिया, ठीक है, देखिएगा आप लोग जाकर अगर किसी ने नहीं देखी है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट मिलते हैं आप लोग को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 के अंदर में, आप लोग अपनी कल्चरल लैंग्वेज को एंजॉय कर सकते हो, इसलिए बोलता हूं बाहर जाया करो तो अपनी लैंग्वेज बोलने से मत शर्माना, अगर कोई आप लोगों को अपनी लैंग्वेज का इंसान प्राणी मिलता है तो, ठीक है। इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार मिलता है आप लोगों को सिटीजन होने के नाते, अगर आप लोग सिटीजन नहीं होते तो ये अधिकार भी आप लोगों को नहीं मिलता। इसी के साथ में आप लोग खुद भी इलेक्शन आप लोग लड़ सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर के, अगर आप लोगों को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है भाई साहब आने वाले 5 साल का टारगेट है यहां पर, तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर आप लोग सीएम भी बन सकते हैं अगर आप लोग देश के नागरिक है, तो ये अधिकार आप लोगों को है। इसी के साथ में आप लोग जो है बेसिकली यहां पर पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं, जैसे बताया ना अभी यहां पर प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज हो गया, गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, वो बाहर का इंसान भी बन सकता है जिसके पास में बाहर की सिटीजनशिप हो, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है उसमें, क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट नहीं है। जैसे कि रघुराम राजन साहब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। तो ये कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को याद रखनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। और जब अधिकारों के बारे में पता होगा भाई साहब, एग्जाम को तो आप लोगों नहीं कहते उठा उठा कर पटक ही दोगे, पहले अपने अधिकारों के बारे में तो जानो। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं ऐसा करता हूं आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कुछ और बातें जो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, जैसे हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, तो मैंने भी आप लोगों को बता दिया 5 से लेकर 11 तक देखने को मिलेगा। और अगर किसी को भी सिटीजनशिप दी जाती है हमारे देश में, तो ये है बेसिकली एक एक्ट कानून जिसके हिसाब से हम लोग उसको सिटीजनशिप देते हैं, यानी कि जो अफगानिस्तान से ये लोग आ रहे हैं इनको सिटीजनशिप जो दी जा रही है वो इस एक्ट के हिसाब से दी जा रही है, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि ये कानून को यहां पर फॉलो करके दिया जाएगा। हमारी कंट्री में 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने अपना संविधान, हमारा प्यारा संविधान हम लोगों ने अडॉप्ट किया, जिसके बेस पर हम लोग आज के में एक जगह टिके हुए हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, तो ये बहुत बार अमेंड किया जा चुका है, एक बार नहीं बहुत बार अमेंड किया जा चुका है। और ये जाकर आप लोग लेक्चर देखिएगा जो सिटीजनशिप वाला मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, उसमें ये सारी बातें मैंने काफी डिटेल में बता रखी है, तो आप लोग समझ पाओगे कि यहां पर कितनी बार इसको बेसिकली चेंज किया गया है। अगर बताऊं तो 1986 में किया गया, 92 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, और लेटेस्ट अभी 2019 में भी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और सिटीजनशिप जो है वो 5 तरीके से हमारे देश में दी जाती है, और वो 5 तरीके कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से कवर किया था, ठीक है। तो 5 तरीके से सिटीजनशिप दी जाती है, 5 तरीके में, जैसे बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, चलिए 3 तो बता दी, 2 तो बता देना, ठीक है, इतना तो कम से कम भाग बनता है कि 2 तो कम से कम पूछ लियो आप लोगों से, सारी मेरे से जानोगे, बताइए चलिए, ठीक है। बाकी यहां पर 2019 का जो एक कानून है इसमें बोला गया है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन अगर हमारे देश के अंदर आते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप दी जाएगी, अगर 6 कम्युनिटी, और ये 3 देश से आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि ये वो देश है जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और इन कम्युनिटी के ऊपर कई बार अत्याचार होते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसके चलते यहां पर बोला गया 31 दिसंबर 2014 के हिसाब से अगर उससे पहले कोई आ चुका है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। पर लेकिन अगर कोई इस तरीके से आता है कि यहां पर इलीगल तरीके से आता है, तो फिर यहां पर उसको उठा के बाहर ही फेंका जाता है। तो हमारे देश में 2 कानून है, यानी कि इनको तो चलो अलाउ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनको छूट दे दी हम लोग ने, पर लेकिन अगर इसको छूट नहीं मिली है तो यहां पर फॉरेनर एक्ट है 1946 का और पासपोर्ट एक्ट है 1920 का। तो ये एक्ट कानून जो है यहां पर किसी को भी इलीगल तरीके से देश के अंदर नहीं आने देते, और अगर कोई आएगा तो उसको वैसा उल्टा ही जाकर वहीं पर लटका दिया जाएगा। तो ये बातें हैं जो कि आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा भी आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं कि यार थोड़ा सा और पता होना चाहिए सिटीजनशिप के बारे में, तो पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है, सिटीजनशिप बाय पॉलिटी में जाकर बात करना, सिटीजनशिप बाय वे पूरा आर्टिकल जाकर देखना, और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सके। आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसका मैं वेट कर रहा था, उन्हें बड़ी दिनों से था इंतजार, आ गई वो घड़ी, तो समझते हैं इसके बारे में। कई बार आप लोगों ने सुना होगा देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, आखिर सबसे बड़ा फ्रॉड क्यों बोला गया देश का इसको, तो उसके पीछे रीजन था, हवा में बातें नहीं की ये सबसे बड़ा फ्रॉड बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आप लोगों ने सुना होगा 3 लोगों के बारे में, मालविया, मोदी और चोकसी, ठीक है। तो ये इतने चौकस थे कि ये काफी सारा पैसा देश का लेकर भागे, इनके द्वारा जो पैसा लेकर भागा गया अगर उसको आप लोग काउंट करने बैठोगे तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर, मालविया लगभग 9,000 करोड़, ये नीरव मोदी लगभग 12,000 करोड़, ठीक है, तो टोटल मिलाकर देखेंगे तो 21,000 करोड़ हो गया, और यहां पर लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपए यहां पर इसके द्वारा भी यहां पर लगभग 4,000-5,000 करोड़ की बात की जा रही है, ऊपर नीचे डेटा हो सकता है थोड़ा बहुत, पर टोटल मिलाकर इनके द्वारा जो यहां पर पैसा लेकर भागा गया इतना अकेला ही एक आदमी कर गया, और ये है वो इंसान। इंसान ने ये बोला, ये जो इंसान है, इस इंसान ने बोला क्या फालतू में चिंदगिरी करते रहते हो, है बस 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, भाई साहब पूरे 22,000 करोड़ रुपए का मतलब छूना लगा है देश को, मतलब एक तरीके से देश को क्या बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, तो पूरा 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगा है। तो 22,000 करोड़ रुपए का जो चूना लगा है तो क्या रियलिटी में चूना लगा है, इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे? जब इनका नाम आप लोगों को पता है यहां पर, तो इसके चलते चलते आप लोगों को इस इंसान का भी नाम पता होना चाहिए। तो ये इंसान क्या नाम क्या है, इस इंसान का नाम है ऋषि कमलेश अग्रवाल। तो ये अग्रवाल साहब जो है, इन अग्रवाल साहब ने टोटल 22 का क्या पूरा 23,000 करोड़ का बोलिए, क्योंकि 22,842 करोड़ रुपए हैं।
तो आप लोग बोलोगे इतना पैसा आया कहां से और ये ऐसा क्या करते थे कि इनके द्वारा यहां पर इतना बड़ा चूना लगा दिया गया। तो ये क्वेश्चन लाजमी है। और ये पैसा लेकर भाग गया क्या? पहले कहते हैं ये पैसा वैसा थैले में भरकर अपना मैंने भाग गया कहीं पर, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, आप लोगों को मजा आएगा सुनने में, सुनिएगा ध्यान से। इसके द्वारा अगर बात करें तो किस किस बैंक को लूटा गया, तो टोटल मिलाकर 28 बैंक हैं जिसके ऊपर इसने धावा बोला। और इन 28 में सबसे बड़े बड़े बैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आईसीआईसीआई से यहां पर 7,000 करोड़ रुपए, ठीक है, आईडीबीआई से यहां पर 3,500 करोड़ रुपए, एसबीआई भी फंस गए भाई साहब लगभग 2,500 करोड़ रुपए, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इवन एलआईसी से भी नहीं छोड़ा, एलआईसी को भी लूट के ले गया, मतलब लूट के नहीं ले गया, जाने की सारी बातें क्या थी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि सारे बैंक एक साथ में कैसे फंस गए, क्या सारे बैंक जो है अलग अलग जाकर पैसा दे रहे थे? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू पूरा माहौल क्रिएट किया गया। और हमेशा जब इंसान लालच में आता है ना, तो लालच बुरी बला है, पुराने टाइम से आप लोगों ने सुना होगा ये सेंटेंस, तो हम लोग सुनते रहते हैं कि लालच बुरी बला है, पर लेकिन हम लोग कभी भी उसके ऊपर गौर नहीं फरमाते हैं। जिस दिन गौर फरमाने स्टार्ट कर दिया उस दिन इन चीजों से डिस्टेंस बनाने स्टार्ट कर देंगे। अब भाई साहब बैंक थे सारे, बैंक को लगा यार बिजनेस चल नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें दिक्कत में चल रही है, क्यों ना हम भी थोड़ा पैसा कमा ले, पैसे से पैसा बनाना आप लोग जानते हैं कि एक तरीके से पैसे से ही पैसा बनता है। तो ये भाई साहब जो है ये सिप इंडस्ट्री बेसिकली के मालिक हैं, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इनकी जो कंपनी है वो बेसिकली सिप बनाने वाली कंपनी है, सिप बनाने वाली कंपनी है इनकी जो कि जहाज बनाती है, ठीक है। और कंपनी का नाम क्या है, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बनाई गई थी 1995 में, और हमारे देश में काफी बड़ा ये खासकर एक तरीके से एक नहीं बहुत बड़े एरिया को अपने एरिया में कंट्रोल करती है जहाज बनाने के एरिया में। और ये आप लोगों को गुजरात के अंदर यहां पर ये हो गया बेसिकली दहेज और सूरत, ठीक है, तो एक तरीके से दहेज लेकर भाग गया ऐसा समझ सकते हैं यहां पर ये, और सूरत नहीं दिखा रहा है आप लोगों को, सूरत क्या दिखा रहा है, पकड़ लिया गया है वो एक अलग बात है, पर लेकिन मुद्दा क्या पूरा, ये इंसान ने सिप बनाना स्टार्ट किया और आज के डेट में 100 से भी ज्यादा देश के अंदर में ये छोटे मोटे जहाज बना चुका है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, तो काम किया है। पर लेकिन जो पैसा इसने इकट्ठा किया यहां पर ये अलग अलग बैंक से, तो ये किस तरीके से इकट्ठा किया और फिर पैसा कहां पे गया और अभी क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी पहले ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें बताता हूं। पहले तो यहां पर इस इंसान का नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, सीबीआई के द्वारा बुक कर लिया गया, बुक मतलब किताब दे दी इसको पढ़ लिया, किताब नहीं दिया डंडे लगेंगे, ठीक है, डंडे तो नहीं लगेंगे, हालांकि देखते हैं क्या मुद्दा होता है पूरा चल के। टोटल मिलाकर 22,842 करोड़ रुपए, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलता है कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, तो कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स बनाया गया जिसमें एसबीआई जो है उसके पापा बनाए गए। मतलब क्या था, मतलब यहां पर ये था एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये देखने को मिली, मैं सारे बैंक के नाम देख रहा था, मुझे एचडीएफसी नहीं मिला यहां पर, वैसा एचडीएफसी ऐसे ही टॉप पर नहीं चल रहा है देश के अंदर में आज के डेट में, ठीक है, क्योंकि बंदे जो है बहुत ही सिक्योर तरीके से कहीं पर जाकर एक तरीके से दांव लगाते हैं, पर ऐसा नहीं कि दूध के दूल्हे हैं, हर के अंदर कुछ ना कुछ ये देखने को मिलती है, पर फिर भी एक बात है। कंसोर्टियम अगर पूछ ले आप लोगों से क्या होता है, कंसोर्टियम यहां पर ये होता है कि ये इंसान जो है बेसिकली इसने बोला मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं, ठीक है, तो जब बहुत बड़ा करने वाला है तो प्रॉफिट भी कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तो बैंक ने बोला ठीक है तुम बड़ा करोगे, हम तुमको पैसा देंगे वो बड़ा करने का, अब जो भी हमारा होगा उसमें प्रॉफिट भी हमारा भी निकल कर आएगा। तो बैंक जो है इसने बोला ठीक है पैसे तो बहुत सारे चाहिए, तो ये गया बेसिकली मान लीजिए आईसीआईसी के पास में, तो आईसीआईसी से बोला कि पैसे कितने दे सकते हो, उसने बोला 7,000 करोड़, कह रहा है चिंदीगिरी दिखा रहे हो, 7,000 करोड़ में क्या होगा, बड़ा कुछ बड़ा बोलो कुछ बड़ी रकम, तो बोला कितना कि लगभग 20-50 हजार करोड़ रुपए बोलो तो मजा आए, तो आईसीआईसी ने बोला मेरी इतनी औकात नहीं है, ठीक है कि मैं इतना पैसा दे सकूं, तो कह रहा है कि औकात बनाओ, तो ठीक है औकात बनाते हैं, तो नहीं कि सारे दोस्त मिलकर एक जगह इकट्ठे हो गए, तो सारे बैंकों को बुलाया और इकट्ठा किया, मीटिंग एक सभा बुलाई गांव में चौपाल में पंचायत बैठाई बोले आगे सारे बैठ के, और गोल उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी सारों ने बैठ के कि आ जाओ सारे मिलकर प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कहां से कमाना है बताओ तो सही, स्कीम क्या है सारी स्कीम बता दो तुमको, बोला कि हाँ ठीक है बुक्स तो बताओ, कि ठीक है आज सुनाता हूं। एक इंसान है जो अग्रवाल है, वो अग्रवाल है जहाज बनाने वाला मालिक, अब वो बहुत बड़े जहाज बनाने वाला है आने वाले टाइम में, हम लोगों क्या करना है इकट्ठा करके उसको पैसे देना है, ठीक है, तो कंसोर्टियम क्या हो गया बैंकों का एक समूह हो गया जिसको एसबीआई ने लीड किया और इकट्ठा करके इन्होंने यहां पर इसको पैसे देना स्टार्ट कर दिए। तो अलग अलग बैंक की जितनी औकात थी जितनी हैसियत थी उसके हिसाब से इनके द्वारा पैसे दिए गए, तो सबने इकट्ठा करके यहां पर इसको पैसे दे दिए। अब यहां पर ये जो माहौल स्टार्ट किया गया था यहां पर तब से लेके अब तक का यहां पर टोटल 22,000 करोड़ रुपए ये इंसान जो है वो इकट्ठे करके बैठ गया, उससे भी ज्यादा लगभग, ठीक है। और ये जो पूरा माहौल चला ये आज का नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोगों को एक और देखने को मिलेगी, 2012 से लेके 17 तक का यहां पर ये पूरा माहौल चला और 17 में जाके लगने लगा इनको कि भाई साहब कांड कर दिया, ठीक है, तो इनको ये लगने लगा। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, अब यहां पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर ठेकरा फोड़ रही है और कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर ठेकरा फोड़ रही है, पर इंटरेस्टिंग चीज ये सिटीजन के लिए है देखने वाली,
कि भाई साहब टाइम ड्यूरेशन देखो, दोनों ही दूध की धुली नहीं है यहाँ पर, दोनों ही इसमें संलिप्त है यहाँ पर। अब ठेंगड़ा किसी के ऊपर फोड़ते रहो उससे कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या हो गया, मुद्दा यहां पर यह हो गया कि सीबीआई ने बुक कर लिया गया और यहां पर माहौल गर्मा गया, तो इसके चलते निकल कर आई बात कि इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता और प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के तहत यहां पर इसने चीटिंग की है। उन्हें क्या चीटिंग की है, तुम लोगों ने मेरे साथ सिंघम पूरी पुलिस को लेकर आ गया, तो अरे सिंघम तूने तो चीटिंग की है मेरे साथ में, ठीक है। तो वो चीटिंग इन्होंने की है, जो पैसा इनको दिया गया था बेसिकली जहाज बनाने के लिए, इस इंसान ने उस पैसे को गलत तरीके से कहीं और यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें अपना बाहर जाकर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वो सब चीजें, ये सारी चीजें चल रही है। तो ये सारा काम इस इंसान ने करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर ये जब इनको लगा कि यार पैसा तो मिल नहीं रहा है, हमने तो बोला था हमको पूरी किस्त मिलेगी, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा यहां पर, जो कि ध्यान से सुनिएगा, ये बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एनपीए के बारे में, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी कि आप लोग बैंक से जाकर लोन लेते हो और रेगुलरली आप लोग अपना लोन पे कर रहे हो, तो एक स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएंगे, टाइम टू टाइम आप लोग यहां पर लोन पे कर रहे हो, ठीक है। पर लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स है जिनको मैं बताने वाला हूं, जिसको बैंकिंग भाषा में कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो यहां पर स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में यहां पर आ जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं समझिए। स्पेशल मेंशन अकाउंट वन, वो इंसान जो लोन रीपेमेंट जो है ओवरड्यू हो गया है 31 से लेकर 60 दिन तक, यानी कि उसको अपनी किस्त पे करनी थी, अपना जो लोन लिया था पर 31 से लेकर 60 दिन के बीच में उसको हो गया है लोन पे किए हुए, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट वन की कैटेगरी में यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक महीने के अंदर अगर पे नहीं की तो कुछ नहीं है, ये जीरो रहेगा, पर वन में आ जाएगा अगर 31 से लेकर 60 दिन के अंदर आप लोगों ने पे नहीं किया है। यहां पर स्पेशल मेंशन अकाउंट आ जाएगा यहां पर 61 से लेकर अगर 90 यानी कि 61 से लेकर अगर दूसरे में आ गया, तो इसका मतलब 60 दिन यहां पर, 30 दिन यहां पर, 30 दिन यहां पर, 30 दिन में कुछ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई साहब एक किस्त जो नहीं दे पाया इंसान, पर अगले 60 में दूसरी किस्त भी नहीं दे पाया तो भाई साहब कान खड़े हो जाएंगे, तीसरे में यहां पर तीसरी किस्त भी नहीं दे पाया, अब भाई साहब बिल्कुल कहानी खत्म होगी। अब इसके आगे अगर 91वां यानी कि 91वां दिन अगर होगा ना, तो यहां पर अब इसको एनपीए बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये दूसरी कैटेगरी में आ गया, दूसरे पखवाड़े में आ गया। मतलब क्या इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग एक महीने में अपनी जो किस्त पे नहीं करते हो तो एक बार को चल जाता है, दूसरे महीने नहीं करते हो तो कहानी खराब होने लगती है, तीसरे महीने नहीं करते हो और भी कहानी खराब, और फिर यहां पर तीसरे महीने से आगे अगर एक भी दिन आगे होते हैं, 90 से एक भी दिन आगे जाते हैं, तो इसको हम लोग एनपीए बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको आप लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलने की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी अलग अलग तरीके से होता है, अगर 90 दिनों के बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर यहां पर अगर बात करें, अगर अप टू द यहां पर बात हो जाए 12 महीने तक अगर यहां पर इंसान जो है वो यहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोल देते हैं, यानी कि एक ऐसा पैसा जिसकी कहानी खराब हो चुकी है, स्टैंडर्ड गिर चुका है, वो बेसिकली वापस नहीं आने वाला है। अगर यहां पर ये 12 महीने से भी अगर ऊपर चलने लगी चीजें फिर यहां पर, तो इसका मतलब हो गया डाउटफुल एसेट्स हो गई, और इसके बाद में फिर इसको बोल देते हैं कि भाई साहब एसेट लॉस्ट हो गया। जब यहां पर इस वाली कैटेगरी में आता है एसेट लॉस्ट हो गया, अब उनको लग रहा है कि अब तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा, तब यहां पर पिक्चर में आते हैं बैड बैंक, जिनको आप लोग बैड बैंक बनाए गए थे। अभी मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कई बार इसके बारे में, शाम को जो वीडियो आती है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। बैड बैंक, ये बैड गंदे बैंक नहीं होते हैं, ये गंदा काम करते हैं। गंदा काम मतलब ये बेसिकली गंदा काम को सही काम करने का काम करते हैं, यानी कि जो बैंक का पैसा डूब गया है, जो पैसा लेकर भाग गया है, उससे पैसे को रिकवर करने का काम करते हैं ये बैड बैंक। तो ये बैड बैंक यहां से पिक्चर में आते हैं, अब कनेक्शन होते हुए नजर आ रहे होंगे ना। तो यहां से जैसे ही यहां पर ये बैंक का पैसा लेकर भाग गया, अब बैंक तो इसके पीछे भागे फिरेंगे नहीं कि यार हमारा पैसा लौटा दे, अब बैंक क्या करेंगे, बैड बैंक के पास में जाएंगे या फिर बैड बैंक को अपने पास से बुला लेंगे और बोलेंगे यार ये पैसा निकाल, ये पैसा निकाल, ये पैसा लेकर भाग गए। आप लोग बोलेंगे ठीक है, ये बैड बैंक बोलेगा ठीक है जो हुक्म मेरे आका, पर लेकिन उसके बदले में आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर्टी के कागजात रखे हुए, क्योंकि इसने जो भी लोन लिया होगा कुछ ना कुछ गिरवी रखकर लिया होगा, क्योंकि बैंक जो है वो यहां पर किसी के, वो नहीं कहते ससुर नहीं है कि वो अपनी बेटी के बदले में यहां पर दहेज दे रहे हैं तुमको और तुम लेकर भाग जाओ, वो भाई साहब तुमसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग आज के में गाड़ी लेने जाओगे ना, तो गाड़ी के कागजात बैंक के पास में रहेंगे, अगर कल को आप लोग यहां पर पैसा नहीं दे पाते हो तो आप लोगों का बेसिकली गाड़ी बेचकर पैसा वसूल कर लिया जाएगा। तो ये होता है बैंकिंग सिस्टम का ढांचा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है हवा हवा में चीज चलती है। तो यहां पर अब बैड बैंक के पास में जाएगा और बैड बैंक जो है उसको रिकवर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आगे चलता है उस तरीके से, वो आगे की बात हो जाती है।
पर लेकिन आप लोगों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बताया वो आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर इन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यहां पर ये पर्सन कौन है, सीबीआई ने इनको बुक कर लिया है और यहां पर एसबीआई के द्वारा कंप्लेंट की गई थी 2019 में कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अब तो कहानी खराब हो रही है, आज सीबीआई वालों चेक कर लो। तो सीबीआई वालों ने चेक करना स्टार्ट किया और अभी यहां पर जब कंप्लेंट फायर की तब पब्लिक में ये मैटर आया। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में था, मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा, पर लेकिन ये पूरा सिस्टम चल रहा था पहले, खुड़ती उड़ती खबर कई बार आ चुकी थी यहां पर कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, पर लेकिन जब काउंट कर लिया पूरा गिन लिए भाई साहब 22,000 कोड है तब जाकर सामने आए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी ये क्या है, कंसोर्टियम क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, बैंक का कंसोर्टियम क्या है, इसी के साथ में कितने बैंक इन संलिप्त है यहां पर, तो 28th बैंक आप लोगों को संलिप्त देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में एनपीए क्या होता है ये पूरा मैंने बता दिया, सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है और कहां कहां पर एनपीए बोला जाता है। तो ये स्लाइड जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो एसएलवी पीडीएफ है जाकर आप लोग देख लेना, यहाँ पर आप लोगों में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नोट्स वगैरह यहाँ पर डाल देता हूँ, डेली एक आर्टिकल भी पोस्ट करता हूँ पढ़ने के लिए, जिससे आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा रहे, सी सेट का पेपर अच्छे से आप लोग कवर कर पाएंगे, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मुझे लगता है कि अब आप लोग के माइंड का डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताना, मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, चीजों को क्लियर करो, माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट को अगर एक बार क्लियर कर लोगे तो फिर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एक और आर्टिकल है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एलआईसी के बारे में। एलआईसी की पॉलिसी कई बार ली होगी आप लोगों ने, एलआईसी ले रखा है क्या, ये सुना है आप लोगों ने। एलआईसी बेसिकली कंपनी का नाम है, पॉलिसी अलग होती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, एक तरीके से कि कोलगेट के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट के नाम ऐसे रख दिए गए कि आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मिनरल बोटल मिनरल पानी लेते आना तो मिनरल बोटल लेते आना, तो ये सारी चीजें ऐसे ऐसे चूज करके रखेंगे। तो एलआईसी जो है वो कंपनी का नाम है, पॉलिसी फिर उसके अंदर होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसकी। बहुत ही एक धांसू टाइप की कंपनी है और पूरी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। तो इसी के चलते एलआईसी के आईपीओ लाने की बात की जा रही है। आईपीओ क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अगर ये पूरी की पूरी कंपनी जो है वो 100% जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोगों को इसका कुछ हिस्सा बेचा जाए और आप लोगों की पॉकेट में से पैसे निकाले जाए, यानी कि कुछ माल आप लोगों को बेचा जाए एलआईसी का और आप लोगों से पैसे उठाए जाए। तो गवर्नमेंट ने अभी बात की है कि 5% इसके बेचे जाएंगे, 95% गवर्नमेंट के पास में ही रह जाएंगे। ये 5% बेचने के बदले में गवर्नमेंट जो है वो 60,000 करोड़ रुपए कमाने वाली है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी को बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो डिस इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये यहीं से निकल कर आता है, तो इसका बेसिकली डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन अगर ये डिस इन्वेस्टमेंट कब तक डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये तब तक डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है जब तक 50% से ऊपर हिस्सेदारी यहां पर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। अगर गवर्नमेंट के पास में 49 रह गए और यहां पर प्राइवेट के हाथ में 50 से ऊपर 51 हो गए, तो इसका मतलब ये कि अब यहां पर जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है वो किसके हाथ में आ गई, प्राइवेट के हाथ में आ गई, यानी कि प्राइवेट वाला जो बोलेगा वही चलेगा। तो इसका मतलब है कि अब ये प्राइवेटाइज हो चुकी है, अब इसको प्राइवेटाइज बोलोगे, वरना 50% या फिर उससे नीचे तक का अगर हिस्सेदारी रहती है तो आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हो। तो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग दोनों में डिफरेंस याद रखेगा। अब एलआईसी के बारे में बात कर ली, और ये कैसी कंपनी है, ये एक इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है। अब आप लोगों ने कईयों ने इंश्योरेंस ले रखे होंगे, यहां पर ले रखे हैं, ये सी एफ बताइए, ठीक है। अच्छा, एलआईसी को स्टैब्लिश कब किया गया था बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली किसके द्वारा गाइड की जाती है, तो हमारी कंट्री में इंश्योरेंस को टैगल करने के लिए कौन है, ये है IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आखिर ये कैसी बॉडी है, ये बिल्कुल ऐसी बॉडी है जैसे बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज को जो बेसिकली करने का काम कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में कौन काम करता है, IRDAI, यानी कि RBI बैंक में सेबी स्टॉक एक्सचेंज को और यहां पर इंश्योरेंस को IRDAI। तो ये सारे रेगुलेटर होते हैं, यानी कि ये सारे पापा होते हैं सबके ऊपर, अगर कोई बदतमीजी काटेगा तो उसको जो है तमाचे लगेंगे, ठीक है, तो ये हरकतें देखने को थपड़ाया जाएगा उसको अगर कोई हरकतें करेगा। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले, इसके अंदर मेंशन किया गया है, याद रखिएगा, यहां पर 2019 के अंदर में यहां पर IDBI बैंक जो है वो डूब रहा था। IDBI बैंक को खरीदा गया था 51% शेयर LIC के द्वारा। तो
एलआईसी के द्वारा वो शेयर खरीदेंगे। इसके बेस पर एलआईसी को बेसिकली यहाँ पर एलआईसी के द्वारा यहाँ पर 4,743 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर इन्वेस्ट किए गए। अब ये क्या है, 51% शेयर एलआईसी ने एक्वायर कर लिए, तो आईडीबीआई बैंक जो है वो जिंदा हो गया वरना मर जाता हो, और अब आज के में वो इसका पार्ट है किसका, एलआईसी का, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो ये पूरा मुद्दा है। अभी यहां पर इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, मार्केट में आईपीओ आएंगे, और अगर आप लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो लगाना इसके ऊपर अपना पैसा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, शेयर तो डूबने वाले ही नहीं है, चढ़ेंगे हमेशा, एक काफी ताकतवर कंपनी है, तो ये बातें यहां पर बताई गई, ठीक है। तो ये है यहां पर एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल, ये साइड में जो आर्टिकल दे रखा है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। ये है बेसिकली ईट राइट मूवमेंट के बारे में। हमारे देश में जैसे यहां पर आरबीआई हो गया, ऐसे यहां पर आईआरडीआई हो गया और सेबी हो गया, अलग अलग फील्ड को काम करती है, ऐसे ही खाने वाले फील्ड को रेगुलेट करने का काम करती है एफएसएसएआई, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक मूवी आई थी रिसेंटली, अभी आप लोगों को मैंने बोला भी था देखने के लिए, FSSAI से रिलेटेड है, वहां पर फूड स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई थी। वो फूड कमिश्नर जो रहता है ना, एक तरीके से वो देखता है कि सूंघ कर उसको पता चल जाता है कि कौन सा खाना सही है कौन सा गलत है, वो बेसिकली फिर उसको मार दिया जाता है जो वहां पर गिरोह होता है उनके द्वारा, और फिर उसकी आत्मा बदला लेती है। देखिए ना मूवी, उसमें दिखाया गया कि खाने के अंदर मिलावट क्या होती है। तो यहां पर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये यहां पर खाने के अंदर मिलावट को रोकती है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है, कोई ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते नहीं है, हम लोग बस ये कि मिल जाए पेट भर जाए। तो 2011 में इसलिए इस बॉडी को बनाया गया, जब लगा थोड़े लोग जागरूक होने लगे तो बताना चाहिए कि जो खा रहे हो उसको देख लो एक बार कि अच्छा खा रहे हो या फिर बुरा खा रहे हो। तो 2006 में बनाया गया, 2011 में इसको बनाया गया, और जो बनाया गया इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो यहां पर एक्ट है 2006 का, उसके हिसाब से यहां पर इसको बनाया गया। अब किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब मिनिस्टर कौन है इसके, ये आप लोगों को बताना है। तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी क्या कर रही है आज के में, हम लोगों को अच्छा खाना कैसे खाना है, उसको बेसिकली साफ सुथरा कैसे रखना है, हमारी आदतें चेंज करने की बात की जा रही है। तो इसी के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था, ईट राइट मूवमेंट। तो ईट राइट मूवमेंट में यहां पर कुकिंग ऑयल वगैरह कैसा यूज करना है, किस तरीके की चीजें लेकर चलनी है, आप लोगों को तला भुना नहीं खाना है, चिप्स वगैरह बर्गर पिज्जा वगैरह इनसे डिस्टेंस बनाकर रखनी है, तो ये सारी चीजें यहां पर इसी के द्वारा आप लोगों को बताई जाती है। इसीलिए स्कूल के कैंपस में भी खाने को सुधारने की बात की गई, जिसके चलते चीजें जो है काफी हद तक इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग इसको देखिए, थोड़ा सा चीजें जिंदगी में देखिए, अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं ना जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना, तो हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, और वो कैसे आप लोग दे पाओगे, जब अपने खाने के ऊपर ध्यान रखोगे, और अगर खाने के ऊपर ध्यान आप लोगों का नहीं रहता है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हमेशा खाने को एक अच्छे तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये बातें हैं यहां पर, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कल ही मैंने आप लोगों से बातें की थी और इसके ऊपर आगे एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये है बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातें, और वो भी यूएई के साथ में, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बोला जा रहा है कि लगभग मई के महीने तक हम लोग एक दूसरे के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो लोकेशन देखना तो बनता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है कहां पर, तो ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके साथ में हम लोग यहां पर व्यापार करने वाले हैं। जब भी कोई मैप देखने के लिए बोला करो तो आसपास के एरिया को जरूर निहारा करो, थोड़ा सा आप लोगों को चीजें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के यहां पर ऊपर जाओगे तो एक यहां पर लोकेटेड कंट्री है, तो ये पर्शियन गल्फ के अंदर लोकेटेड कंट्री है, तो इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। इसके सर पर बैठा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा जाएंगे ईरान, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, तो यहां पर ईरान हो गया। तो ईरान जो है इसकी कैपिटल आप लोगों को तेहरान देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है, आबू धाबी, दुबई नहीं है। दुबई आप लोग सुनते हैं ना, दुबई दुबई चिल्लाते रहते हैं, तो दुबई इसकी कैपिटल नहीं है। और इधर आप लोग थोड़ा सा आएंगे तो आप लोगों को गल्फ ऑफ ओमन देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे यहां पर आप लोग जाकर, तो यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर जो लोकेशन बीचों बीच में, ये क्या करता है, ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने का काम करता है, किसके साथ में, ये गल्फ ऑफ ओमन के साथ में। और इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोज। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो स्टेट ऑफ हार्मोज अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, इस देश के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर निकल कर आ सकते हैं, अगर उनका मन ना हुआ इकोनॉमी के अंदर से क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कुछ बातें हम लोग यहां पर करते हैं। नॉर्मली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोग जो है वो अपने यार आने को बढ़ाते हैं। मतलब आप लोग समझिएगा, थोड़ा से ध्यान से बताता हूं।
अच्छा अगर आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोग शादी एक तरीके से एक शादी आप लोग मान लीजिए एक घर में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, किसी की शादी है घर में, ठीक है। तो उस शादी में आप लोग क्या करेंगे, पूरी दुनियादारी को बुला लेंगे ना बिल्कुल शानदार तरीके से, हाँ यार सब आ जाओ आज तो बिल्कुल बिल्कुल भंडारा चल रहा है, आओ और खा के जाओ, खुशी का माहौल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली सबको बुला लेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर ये काफी डिटेल में आप लोगों ने क्या किया, हर एक इंसान को न्योता दे दिया। पर लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप लोग कल को चलकर अपनी कोई ऐसा सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रमोशन हो गया है, या फिर घर में बर्थडे पार्टी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोग गिने चुने इंसानों को अपने पास में बुलाते हो, ठीक है। तो उसके चलते चीजें जो है वो आप लोग और कॉम्प्रिहेंसिव होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। पहले होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग यहां से की जाती है, चलो थोड़ा सा प्रिफरेंस दे देते हैं यहाँ, चलो खाना खाने के लिए सब आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और कर लिया, इसमें शादी विवाह की बात आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में यहाँ पर बस बर्थडे वाले लोग आएंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से एक दूसरे की कंट्री के ऊपर टैरिफ या फिर जो भी ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो भी यहां पर टैरिफ लगा रखे हैं या कोई प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको बिल्कुल कम कर दिया जाएगा और एक दूसरे कंट्री में व्यापार जो है वो आसानी से होने लगे, कोई टैरिफ कोटा कोई सब्सिडी कोई प्रोहिबिशन यहां पर नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे के देश में आसानी से अपने गुड्स और सर्विसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारे देश के आज के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में रहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बताइए कितने प्रतिशत लोग, मैंने बताया था अभी दो तीन दिन पहले डिस्कस किया था, टेंशन मत लेना कल फिर आंसर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा करता हूं तो आंसर बता दिया करते हैं, और अगर लगता है कि लेक्चर पसंद आ रहा है तो थम्स अप देकर भी बता दिया करते हैं कि हां लेक्चर अच्छा लग रहा है, ठीक है। कुछ घिसेगा नहीं इसमें आप लोगों का, ओके। इससे आप लोगों को और ज्यादा फायदा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों के आसपास का माहौल अच्छा होगा, अगर पढ़े लिखे लोगों के पास में रहोगे तो आप लोगों को और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एजुकेशन ये पढ़ाई शिक्षा एक ऐसी चीज है यार, कभी भी बांटने से घटती नहीं है, हमेशा ये बेसिकली बढ़ती बढ़ती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बेसिकली अच्छी एजुकेशन ले रहे हो और आप लोग पढ़ चुके हो तो दूसरे को पढ़ा सकते हो कुछ भी, और पढ़ा नहीं सकते हो तो ये लेक्चर आप लोग उस तक पहुंचा सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के आसपास का माहौल अच्छा बनेगा, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा जो भी आप लोगों के साथ में बैठेगा, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, और आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर चीजें आगे बढ़ेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा ये आर्टिकल, ये आगे फिर आएगा, तो फिर आएगा फिर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और राइटर के व्यूज के साथ में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये डिस्कस करने वाला हूं सबरीमाला टेंपल के बारे में। तो यहां पर जब आप लोग जाएंगे ये आप लोगों को एक एरिया देखने को मिलेगा, ये जो एरिया है ये है बेसिकली केरला के अंदर में, ठीक है। और यहां पर ये जो टेंपल है ये आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा, तो उसी के बारे में आर्टिकल है यहां पर, ये बात की जा रही है सबरीमाला टेंपल के बारे में। सबरीमाला टेंपल के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केस नजर आएगा। यहां पर बेसिकली क्या रहता है, जो महिलाएं जिनकी पीरियड साइकिल चल रही होती है, यानी कि लगभग 10 से लेकर 50 साल की एज के बीच की या फिर 40 के बीच की जैसे पीरियड साइकिल रहती है, उन महिलाओं को मंदिर में एंट्री करने से मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली इनके हिसाब से अपनी चीजों को देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस पहुंचा था कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हो आप लोग पूछेंगे, क्यों अलाउ नहीं किया जाता है, तो यहां पर बेसिकली उसके चलते सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, तो 5 जजों की बेंच ने यहां पर इसको देखा, और उसमें से 4 जज, एक थी इंदु मल्होत्रा, उनके द्वारा तो बोला गया कि ठीक है बैन करना, और बाकी के 4 जज ने बोला ये गलत है बैन करना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एक हाई लेवल का देखने को मिलता है। मतलब हाई लेवल का मतलब लड़कियां के, एक तो होता है कि महिला और पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन करना, यहां पर महिला और महिला में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट लेवल की बात हो गई यहां पर, तो ये बिल्कुल गलत है, फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, लोगों के रिलीजन के चलते भी यहां पर महिलाओं को एंट्री करने से नहीं रोका जा रहा है, तो आर्टिकल 25 का भी यहां पर हनन हो रहा है। तो ये कई सारी बातें यहां पर देखने को मिली। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे किसके बारे में, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, और मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्या जाएगा कि सबरीमाला टेंपल के बारे में आप लोगों से पूछेंगे, तो ये कहां पर लोकेटेड है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व, तो पेरियार रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मुल्ला और पेरियार डैम के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, तो ये उसी एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, कल को अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको जूम कर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को बेसिकली सारी चीजें नजर आने लगेंगी, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आप लोगों के सामने यहां पर, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्ट थोड़ा सा और जूम करोगे तो वहां से तो आप लोग देखो या ना देखो, मैं यहीं से आप लोगों को टेंपल दिखा देता हूं, ठीक है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा एग्जैक्ट लोकेशन जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि यहां पर ये जो इस तरीके से एरिया जो है यहां पर, ये यहां पर यही वो तरीका है जब यहां पर नहीं बार बार बोलते हैं रसिया क्या कर रहा है यूक्रेन के साथ में, तो सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है, ये वही सैटेलाइट इमेज है, ठीक है।
तो आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। यहां पर एक और बेसिकली यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा आप लोगों को, यह है किसके बारे में, मेका धातु प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहां पर कई बार मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर फिर से एक बार सुन लीजिए, इंपोर्टेंट है, कोई हर्ज नहीं है सुनने में। मेका धातु प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये बेसिकली कर्नाटक के अंदर है यहां पर, और इसी के बारे में बात की जा रही है। ये इसको लेकर इशू बना हुआ है काफी लंबे समय से, यहां प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है। 2017 में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और रिवर कौन सी है, कावेरी रिवर। तो यहां से क्लियरेंस लेने की बात आई पहले तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद में जब इशू बना तो मुद्दा यहां पर यह था कि ये तमिलनाडु चाह रहा है कि यहां पर प्रोजेक्ट न बने और कर्नाटक चाह रहा है प्रोजेक्ट बने, क्योंकि इसके एरिया के बीच में पड़ता है यहां पर ये, ठीक है। तो यहां पर ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो अब जब अप्रूवल की बात आई, यहां पर फॉरेस्ट एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, सबमर्ज हो जाए अगर डैम बने यहां पर, यानी कि बांध बने, तो इसके चलते तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के चलते फिर यहां पर अभी डिसीजन जो है वो यहां पर चल रहे हैं कि हां कैसे इसको लेकर चलना है। कावेरी रिवर के बारे में याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। एक रिवर भी आप लोगों की कवर करा देता हूं, पोनी रिवर बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर में, और वैसे साउथ की गंगा भी कई बार बोला जाता है। ब्रह्मगिरी हिल बेसिकली वेस्टर्न घाट से निकलकर आती है, और इसी के चलते यहां पर बेओ बंगाल में जाकर गिर जाती है, और ये इसकी कई सारी आप लोगों को ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर अर्कावती हो गया, हेमावती हो गया, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, हरिंगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि चार एरिया में डिवाइड होती है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी, इनके बीच में डिवाइडेड देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था 2018 में, बोला गया था कितना कितना पानी सबको मिल रहा है, तो कर्नाटक को सबसे ज्यादा पानी मिलता है, तमिलनाडु को तमिलनाडु को सबसे ज्यादा मिलता है, कर्नाटक को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर केरला को, चौथे नंबर पर पुदुचेरी को, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी कुछ और न्यूज है, जैसे कि यहां पर हमारे द्वारा MH-60R खरीदा जा रहा है, किससे, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा, यूएसए से खरीदा जा रहा है, और जो डील है वो 2.2 बिलियन की है, तो ये याद रख लीजिएगा, छोटी सी न्यूज है। बाकी मोदी जी जो है वो 100 किसान ड्रोन जो है वो उनके द्वारा उड़ाए गए, तो आने वाले टाइम में खेती के अंदर जो है ड्रोन काफी अच्छे से काम करने वाला है। टेंशन मत लेना, इसके ऊपर या तो एडिटोरियल आएगा या फिर कोई ना कोई और न्यूज आएगी, बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा कि कैसे एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए इसको, टेंशन आप लोग मत लेना, बिल्कुल ही एक तरीके से चीजें आप लोग को आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी चलते हैं यहां पर, ये बेसिकली सुडोकू है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और ये यहां पर आप लोगों के सामने कल के सुडोकू का सॉल्यूशन। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा तितलियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, कि पोलिनेशन का काम करती है। पोलिनेशन मतलब फूल के ऊपर जाकर बैठना, उसकी वजह से फूल जो है वो फल बन जाते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। पर नाइट पोलिनेटर भी होते हैं, इनको नहीं भूलना है। तो जो मोथ होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, मोथ्स की, वो भी हेल्प करते हैं हिमालयन रीजन में चीजों को मेंटेन रखने में। तो ये एक स्टडी की गई है, ऐसी ऐसी स्टडी चलती रहती है, पर लेकिन छोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में वेस्ट जो है वो बोल रहा है इनके यूएसए वगैरह कि रसिया और चाइना का जो एक्सिस है वो खतरनाक होता जा रहा है, और ये आगे हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। तो वो तो बन सकता नहीं है, बन चुका है, अब तो लेट हो चुके हैं, बिट्टू मियां, चीजें आगे जा चुकी हैं काफी ज्यादा। एक हमारे लिए खुशखबरी है, यहां पर आने वाले टाइम में 2023 में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की चेयरमैनशिप हमको मिलने वाली है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिल सकता है कि हम भी ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये काफी अरसे बाद हमारे देश में हो रही है, लास्ट टाइम जो हुई थी 1983 में हो रही थी, अब यहां पर हुई है जाकर ये, तो काफी लंबा समय लग गया, अब 2023 में ये होने वाली है। ये आप लोगों के इसके बारे में याद रखिएगा, जो यहां पर ग्रुप था जिनके द्वारा यहां पर ये बातें की गई, तो इसमें नीता अंबानी, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट जो थे वो हेड कर रहे थे इसको पूरे, जो यहां पर ये ग्रुप था, ये यहां पर जिनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर, अभिनव बिंद्रा, जिनके द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया, किस साल में जीता गया था ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती है इसके ऊपर, तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना, ये सारे ऐसे टॉपिक नहीं है, एक बार आकर खत्म हो जाते हैं, ये रेगुलर चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, अगर कोई भी डाउट है तो बताना जरूर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और जो यहां पर आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों से कोई केस स्टडी पूछ लिया इसके, तो आप लोग क्या बोलोगे तो वो भी बताना। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और फीडबैक देकर जरूर जाना, ठीक है, थम्स अप देकर बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा या फिर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए। शाम को मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके।